रखिचंती एवं ता सहित साइंटिस्ट मध्ये रहिचंती बड़ इनफॉरमेशन स्वागतिका निश्चित बापरे ये होची गुरुत्वपूर्ण तथ्य जेते आपण नीचे अछंती जो मालदीप रडार नु सबु तथ्य आईएमडी को जाउची बात्या को नै सबु डरु बड़ खबर आसीची जो खबर को आपण को सामना करूचू तत्पर रहिची पूरा रडार सिस्टम रो आकलन एवं जो मणि भाबरे डब्ल्यू रडार सिस्टम जो आकलन करिची एवं रडार सिस्टम रो आकलन कोची कि राति दुई टू लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो बड़ खबर जिते ये जो लैंडफॉल प्रक्रिया ता राति दुई टू आरंभ हो भोर पांचटा पर्यंत चलो रडार सिस्टम पक्ष कहुई और जो कथ आम प्रतिनिधि दुष्मत सहयोगी क्वेश्चन करुते वैज्ञानिकों को कहवा कथा कि जिते बात्या लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होते पवन गति बढ़ वर्षा भीषण वर्षा हो कहीं वर्तमान सुधा जो आकलन करा वर्षा कहीं होनी कहीं पवन गति बढ़नी जहाँ नहीं वैज्ञानिक मैंने जो मैंने पूरा बर्तमान बात्यार दिग बेग पूरा नजर रखुंट से कहवा कथा जिते लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होते पवन गति बढ़ सहित भीषण वर्षा हो जो आकलन कर कही रखु बात्या को नहीं सब बड़ खबर डॉक्टर रडार सिस्टम बड़ आकलन करती दुईटू आरंभ हो लैंडफॉल प्रक्रिया तो आम कहीपर ये रातिर समय बेस गुरुत्वपूर्ण जेहतु राति दुईटू लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो भोर पांचटा पर्यंत ये पूरा प्रक्रिया जारी रहिब जेते बड़े लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो जोरे वर्षा पवन आरंभ हो ये होची वर्तमान समय बड़ अपडेट जो प्रति अपडेट आपंक निकट में पहुँचाऊ डब्ल्यू रडार सिस्टम जो आकलन करी दुष्मत मो सहयोगी लगातार भाव में अच्छा दुष्मत ये होची वर्तमान समय बड़ खबर जितेबाला जो कथा पूर्व कह एम डी पक्षर ता देखा कि सत प्रमाणित अर्थात राति समय ही बात्या लैंडफॉल कर पुणी राति दुईटू भोर पांचटा मध्य आम कहीपर ये तीन चार घंटा ये गोटे गुरुत्वपूर्ण समय बोली सर जी आपका नाम दुष्मत दुष्मत आपड़ पार निश्चित भाव दुष्मत पाखक को फेर किंतु पारादीप जो रही सिस्टम रडार सिस्टम रही जो वैज्ञानिक मैंने पूरा स्थित पर नजर रखिंट कहवा कथा तो वर्तमान समय जो राति दुईटू लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो दुष्मत राति दुईटू भोर पांचटा छटा पर्यंत लैंडफॉल प्रक्रिया चार आरंभ हो तो यह लेकिन आउ टे वैज्ञानिकों प्रतिक्रिया निंड स्पीड के पवन जदि गति कमी केपे विंड स्पीड ता वर्षा केमती हो पाए टे आउ टे प्रतिक्रिया नि निश्चित भाव आप जो कथा कहते आम के धनेश जी वैज्ञानिक इनचार्ज अच्छा पारादीप डेफलर रडार रे सबकि इनफर्मेसन आईएमडी को यही जगार ही जा स्पष्ट कर किभली भाव में राति दुईटू लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया आरंभ हो भोर पांचटा पर्यटन चलो पुनर्बार आम आउ थे इनफर्मेसन नापी चाहबू सर जी हम एक बार इसलिए इनफर्मेसन ले रहे हैं कि पूरा लोग आपके बारे में सुन रहे हैं देख रहे हैं पूरा लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए लेना चाहते हैं आप पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि ये प्रोसेस क्या है किस तरह होता है कितने बजे शुरू होगा कितने बजे खत्म होगा और विंड स्पीड क्या होगा। इसके लिए आपको हमारा एमसी भुवनेश्वर का ये फॉरकास्ट बुलेटिन में ये डिटेल में दिया है आप लोगों को ये रेफर करना है और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी 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 ये जो बता रहे थे कि लैंडफॉल प्रोसेस जो होगा दो बजे से पहले दो बजे शुरू होगा लेकिन उससे पहले का एक्टिविटीज कैसा होगा। उसके पहले ये स्लोली ये मूव हो रहे हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा में अभी तो उस टाइम से ये लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमको उस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थन ओडिशा का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को ये प्रभाव होगा धीरे धीरे। उस टाइम में उसका प्रभाव कैसा रहेगा दो से पांच बजे तक उस पांच घंटा जो करीबन पांच घंटा है उस पांच घंटे कैसा रहेगा वहां परिस्थिति उधर बारिश होगा हेवी टू वेरी हेवी और एक्सट्रीमली हेवी आइसोलेटेड रीजन में और स्कैटर्ड वेरी टू हेवी होगा और स्टॉर्म सर्ज भी प्रेडिक्ट किया है एक से दो मीटर तक उधर और हमारे जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टॉर्म सर्ज प्रेडिक्ट किया है 0.5 to 1 मीटर। सर जी सबसे बड़ी बात है कि जो कोस्टल बेल्ट है जहां पर समंदर है जैसे कि केंद्रापड़ा धामरा वहां पर टाइड कैसा आएगा है? जैसे कि उसको जुआर बोलते हैं हमारा उड़िया में उसका हाइट कितना होगा सर 1 to 2 मीटर और बारिश बारिश का क्या सिचुएशन है बारिश और
बारिश स्टॉर्म इनका रेड वार्निंग दिया है, स्कैटर्ड वेरी हैवी टू वेरी हैवी और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया है। निश्चित भाव आप शुणुते कि भाव में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेब एवं से जो पांच घंटा दुईटारू सका पांचटा अर्थात भोर पांचटा पर्यंत से ही समय बेस गुरुत्वपूर्ण विशेषकर कारण से ही समय रे ही जो बात्या दाना तार तांडव लीला रचिबो तेणु से ही प्रोसेस रे कि भाव में समस्ते सुरक्षित रहिबे आम बारंबार सूचना देवाई चाहूँ न्यूज 18 ओडिया रे एक्सक्लूसिव के धनेश जी वैज्ञानिक अच्छा पारादीप जो डेफलर राडार सिस्टम रो जे सविशेष आकलन करुछंती सीधा सड़क आईएमडी पाख को जाता है आईएमडी बुलेटिन जारी करता है। आम स्पॉट रे अच्छू कि भाव में आप सूचना दूसरे जे राति दुईटारु सकाळ पांचटा पर्यंत लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया रहिबो से ही पांच घंटा बेस गुरुत्वपूर्ण कारण जो दाना बात्या तार तांडव लीला रचिबो विशेषकर जो कहा जाउची केंद्रापड़ा रो जो रही जो भितरकनिका और ता सहित धामरा यही एरिया ही लैंडफॉल करिवार संभावना रही जहाँ आकलन कराउची एवं परवर्ती समय जदि आम कह स्पीड कि भाव में पर्टिकुलर जगार केन्द्रापड़ा और धामरा रे पाखापाखि 110 रु 120 किलोमीटर पवन रेग रिछ किसी जगार 125 रही आम पारादीप कथा कह केन्द्रापड़ा अपर बेल्ट कथा कह से किसी किसी जगार 70 रु 80 किलोमीटर रो कि जगार 90 किलोमीटर रोटामोटी भाव में गोटे कथा आम जो मैंने न्यूज 18 ओडिया जो दर्शक मैंने जोड़ी रही सूचना देवाई चाहबू ए समय सीमा भीत बे गुरुत्वपूर्ण स्वागतिका निश्चित भाव में समय बेस गुरुत्वपूर्ण आपड़ी सरकार वैज्ञानिक सहित आलोचना करते राति दुईटू भोर पांचटा और सका छटा ये टाइमिंग हूँ 4-5 घंटा बेस गुरुत्वपूर्ण समय जेहेतु ये 4-5 घंटे लैंडफॉल आरंभ हो सहित पवन गति बढ़ भीषण अति भीषण वर्षा हो जहां वैज्ञानिक प्रतिक्रिया बात्या को नहीं आपको कह रखु ब्रेकिंग खबर सब बड़ खबर जितेबाद डॉपलर राडार सिस्टम जो आकलन करती जानते डॉपलर राडार सिस्टम पूरा पारादीप जो स्थित पूरा अपडेट देता है आईएमडी को जो आकलन कर राति दुईटू आरंभ हो लैंडफॉल प्रक्रिया भोर पांचटा पर्यंत ये लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रतब लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होते प्रबल जोर वर्षा होता सहित पवन बो आकलन कर पवन 100 रु 110 किलोमीटर रहीपे झटका पवन 120 किलोमीटर छुईपे जहां पूर्वानुमान आकलन करैज्ञानिक मत रखिंट कितु राति दुईटू लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो लैंडफॉल प्रक्रिया ये 3-4 घंटा भोर 5 सका 6 पर्यंत जारी रार प्रभाव में वर्षा रीषण वर्षा होड वार्निंग दि जाइए जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर पर रेड वार्निंग जारी कर 4 जिलावासी अधिक सतर्क रहा भीषण बात्या जी तांडव रचिव स्थलभाग छुईवा पड़े प्रबल वर्षा ताधिक कोप देखा जहां पापाग विभाग कही कि 2 दिन उत्तर और पश्चिम ओडिशा जाए वर्षा जा चेतावनी दि जाइए उत्तर उपकूल ओडिशार अनेक नदी में बन्या आशंका सृष्टि जेहेतु समुद्र जुआर अधिकांश नदी में पशिब तेणु बन्या पानी निष्कासन न हो गाँ गंडा को माड़ आशंका रही बड़ कथा हो केवल पवन नुहे वर्षा भीषण बात्या नहीं आसुची भीषण वर्षा बात्या स्थलभाग अतिक्रम कला क्रमशः दुर्बल हो डीप डिप्रेशन और लघुचापे परिणत हो अधरु अधिक ओडिशा को ग्रासिब जदिव पवन कोप कमी किंतु वर्षा देखा तार प्रभाव देखा मिल अर्थात अति भीषण वर्षा है अधा ओडिशा वर्षा भिजिब जहां पानीपाग विभाग पक्षर आकलन करवल उपकूल की उत्तर नुहे पश्चिम ओडिशार वर्षा होनीपाग विभाग पक्षर कहार प्रभाव में नदी नाल पुनिब कृत्रिम बना परिस्थिति सृष्टि हो पाए तलिया अंचल में पा पशि जापे यार भितर जहां पानीपाग विभाग पक्षर कहु पूरी केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर भद्रक जाजपुर ढेंकाना अनुगुल खोर्धा जिला को रेड वार्निंग दि जाइए अर्थात यही जो जिला गुड़िकरे जोठी रेड वार्निंग दि जाइए से प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होपे भीषण वर्षा होपे पाणीपाग विभाग आकलन करसबू जिले जेहेतु अति प्रबल वर्षा होपर केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर बौद्ध सोनपुर नयागढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग दि जाइए गंजाम कंधमाल देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा
सुंदरगढ़ को जारी होइछि येलो वार्निंग अर्थात बात्या दानार प्रभाव सारा अधा ओडिशा रे देखिबा को मिलिबो। अधा ओडिशा रा लोक माने प्रभावित हेबे। वर्षा किंतु आरंभ होइजिबो। आपनको मनरे प्रश्न थिबो ए पर्यंत काहे कि वर्षा होइ नाही। पाणिपाग विभाग तो कहिछि वर्षा हेबो किंतु वर्षा काहे कि होइनी। पवन रो वेग काहे कि बढ़िनी। तो जहाँ कि विभिन्न समय वैज्ञानिक मत रखुले मो सहयोगी दुष्मंत जमी वैज्ञानिकों सहित आलोचना करुते कहवा कथा जितेबड़े बात्या दाना लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ करते देखा कि वर्षा आरंभ हो सहित पवन गति बढ़ जहाँ वैज्ञानिक मैंने जो मैंने 24 घंटा पूरा स्थिति पर नजर रखिंट 24 घंटा पूरा मॉनिटरिंग करूँ कहवा कथा लैंडफॉल प्रक्रिया जो आरंभ होपर पवन वेग बढ़े ता सहित बर्षार प्रभाव रही पाणिपाग विभाग आकलन कर कौ जगार रही किभली स्थित रही केते बड़े लैंडफॉल कर तार प्रोसेसिंग कौन रही आम वर्तमान जो पारादीप रे जो राडार रही जो डफलर राडार रही जगार पहुँची सारी एटी वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ माने रही पूरा मॉडल को देखिपे कैमेरा पर्सन आलोक अच्छा प्रथम पूरा दृश्य देखु ये जो जगार आम रही आलोक बाबू देखु अभिज्ञ वैज्ञानिक मैंने रही पूरा पूरी टीम यहाँ सजग रही टीम जो मैंने लगातार भाव में 24 घंटा धरी प्रस्तुति कार्य चलती से उपस्थित अच्छा बड़ बड़ एलईडी लगी टे दृश्य देखू कि भाव में मॉनिटरिंग कर पूरा प्रोसीजर को जो जगार आप देखु ये हूँ से आई पॉइंट तेणु पूरा पूरी विश्व आम इनफर्मेसन देवा कौन रही स्थिति किभली भाव रही मॉडल ही बयान कर दूसरी वर्तमान समय किभली स्थिति रही आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना सर जी अभी अभी अगर देखा जाए पूरा स्टेट पूरा देश रुके हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा दाना कहां पर पहुंच चुका है। दाना हमारे पारादीप से अभी 70 किलोमीटर दूर पर है और ये अभी इसका स्पीड भी थोड़ा कम हो गया है अभी 7 किलोमीटर पर आवर दूर स्पीड पे आ रहे हैं और लैंडफॉल होगा लगभग रात 2 बजे से शुरू होगा हमारे एज पर आवर फोरकास्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राती दुईटारु लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया आरंभ हो वैज्ञानिक निजे मॉनिटरिंग करुछंती एवं ये प्रोसेस सकाळ पर्यंत चलिबो आमे अधिक इन्फॉर्मेशन नबा जे किभली भाबे रहिछि ये आप देख सकते हैं ये इसका आंख है ये अभी 70 किलोमीटर दूर पर है पारादीप से अभी ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और इसका लैंडफॉल एज पर हमारा फोरकास्ट भितरकनिका और धामरा का आसपास होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि धामरा पे लैंड करेगा कि नहीं भितरकनिका पे लैंड करेगा नहीं कि नहीं इन्फॉर्मेशन बहुत कोई बोल रहा है कि 2 बजे मतलब 2 बजे से पहले लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो जाएगा पूरी तरह इन्फॉर्मेशन क्या है इस मॉडल दो मॉडल फोरकास्ट अभी तक एक्यूरेटली ट्रैकिंग हो रहा है एक्यूरेटली मैचिंग हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उधर आज रात से कल सुबह तक ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा शुरू। अगर बात किया जाए तो कितने बजे लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा और कितने बजे तक रात 2 बजे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लैंडफॉल प्रोसेस कितने बजे तक चलेगा कल सुबह 5 बजे 6 बजे तक 5 बजे 6 बजे हाँ हाँ सबसे बड़ी बात आउ थे पुनर्बार अपडेट देवा चाहिए जो वैज्ञानिक कहते दिन राति पाखापाखि 2टा रु लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया आरंभ हम एवं ता सकाळ 5टा पर्यंत ता चलो न्यूज 18 ओडिया रे एक्सक्लूसिव आम जनवाई चाहिए दर्शक मैंने बात्या नहीं बड़ अपडेट आम सूचना देवाई चाहूँ जो लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया राति 2टा आरंभ हम और सकाळ 5टा पर्यंत चलो विशेषज्ञ कहते अभी जो सर विंड का स्पीड कितना होगा जब लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा अभी बोल रहे हैं कि पारादीप से 70 से 80 किलोमीटर दूरी पे है इस बारे में क्या वर लैंडफॉल होकर उधर ये स्पीड होगा साउथ से 120 तक होगा विंड का स्पीड लैंडफॉल एरिया में जो जिस जगह बताए गए हैं कि भितरकनिका से लेकर धामरा तक वहां पर वही स्पीड होगा पारादीप में कितना होगा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 से 80 तक और गस्टिंग कैन बी अप टू 90 केंद्रापाड़ा में कितना होगा सर केंद्रापाड़ा बालेश्वर और भद्रक जिलों को रेड वार्निंग दिया है विंड वार्निंग उधर हम साउथ से
120 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों का मन में एक टेंशन है कि बारिश कितने होगा, क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गया है। बहुत सी जगह में बोल रहे हैं कि धामरा और भितरकनिका में लैंडफॉल करेगा, लेकिन वहां पर विंड स्पीड नहीं है ज्यादा, बारिश नहीं है, ये क्या सिम्टम बता? अभी ये लैंडफॉल प्रोसेस शुरू नहीं हो गया है ना, जब लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा उस टाइम हवा का स्पीड बढ़ जाएगा और बारिश भी होगा। बारिश कहाँ पर कितना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इवनिंग से पारादीप में, केंद्रापड़ा में, लेकिन बालेश्वर भद्रक में थोड़ा कम है, जगत सिंहपुर और उस जगह से अभी ये साइक्लोन दूर पर है, जब ये उसका पास आएगा तो उधर भी बारिश शुरू हो जाएगा अभी, क्योंकि ये अभी वहां से दूर पे है, क्योंकि ये नॉर्थ साइड पे है ना। थोड़ा पास आकर समझाएंगे कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल के बारे में कहां पर अभी है, आई पॉइंट कहां पर है, किस दिशा में मूव कर रहा है और कहां पर अभी है? इसका आई है अभी इधर है, इधर आप देख सकते हैं इधर, और ये है वॉल क्लाउड, उधर है वो वेरी सीवियर वेदर हो रहा है इधर, तो ये आई अभी मूव हो रहा है नॉर्थ वेस्ट दिशा में, अभी ये भितरकनिका और धामरा का उधर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये हमारा डॉपलर वेदर रडार है हमारा, अभी ये रियल टाइम में हर 10 मिनट में ये अपडेट हो रहा है, ये रडार इमेज है। पुनर्बार सूचना देवा पई चाहिबु बड़ो अपडेट न्यूज 18 ओडिया रे, आपण माने जो दर्शक माने जो लोके राज्यवासी जो माने अपेक्षा कर रही चंती जे वास्तविक भाव रे स्थिति कोन रहइबो, बड़ो सूचना देवा पई चाहिबु न्यूज 18 ओडिया रे जे राति 2टा रु लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया आरंभ होबो, वैज्ञानिक कहि चंती आमे पारादीप रो जो डफलर राडार जो जगह रे संयोग हेची जो जगह रु सबु किछि इन्फॉर्मेशन आईएमडी पाख को जाउची, आमे स्पॉट रे अछु, किछि समय पूर्व रु वैज्ञानिक जे भली भाव रे सूचना देले राति 2टा रु लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया आरंभ हो एवं सकाळ 5टा पर्यंत चलिबो, एवं जो वर्षार जदि कथा कहबा केंद्रापड़ा जगत सिंहपुर बालेश्वर भद्रक रे वर्षा हबो, एवं जदि कहबा ताले विशेष करी जो केंद्रापड़ा एवं धामरा भद्रक रे जो पवन रो गति पाखा पाखी 110 रु 120 बा किछि किछि जगह रे 125 मध्य रहइबो, किंतु जदि आमे कहबा ताले पारादीप कथा कहबा पारादीप रे 70 रु 80 किलोमीटर रहइबो पवन रो वेग, सेहिपरि केंद्रापड़ा रे मध्य समान स्थिति रहइबो। मोटामोटी भाव में आम बड़ अपडेट देवा पई चाहिबु जो जगार सब किसी इनफर्मेसन आईएमडी पाख को जाउची, एवं आईएमडी जो सूचना आधार रे गणमाध्यम को खबर दउची एवं सरकार को पाख को खबर दउची, से ही वैज्ञानिक वर्तमान बड़ सूचना देइछंती न्यूज 18 ओडिया रे जे राति 2टा रे लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया आरंभ हबो एवं सकाळ 5टा पर्यंत चलिबो, एवं बड़ अपडेट होउची प्रति 10 मिनिट अंतर रे जहां इनफर्मेसन आसुची एही इनफर्मेसन आधार रे ही सरकारी भाव रे घोषणा करा जाउची आईएमडी पक्षरु। पूरा लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो किंतु वर्तमान ब्रेकिंग खबर पारादीप 70 किलोमीटर दूर रे वर्तमान बात्या डाना रही गंडापति 15 किलोमीटर बेगर बात्या आसुची, धामरा ठू 90 किलोमीटर दूर रे बात्या, एवं यूचि बात्या को नहीं सबुठ बड़ खबर डॉक्टर राडार सिस्टम जो आकलन करी राति 2टा भोर 5टा भितर लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो मध्य राति रे बात्या लैंडफॉल कर 6 घंटा पर्यंत बात्या दानार प्रभाव रहिब, पारादीप ठू 70 किलोमीटर दूर रे बात्या रही, किंतु जो कथा आकलन कर जाउतला बात्यार प्रभाव केमती रही पारे, किंतु बात्यार गति धीमे जाइछि काईकिना घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगरे बात्या गति करुछि, जेतेबेले धामरा ठू 90 किलोमीटर दूर रे अछि मध्यरात्रि रे बात्या लैंडफॉल करिब भीषण बात्या, तो समस्त मध्य नजर रखिछन्ति लैंडफॉल करिबार 6 घंटा पर्यंत बात्यार प्रभाव रही पारे। डॉप्लर राडार सिस्टम पारादीप जो वैज्ञानिक मान अछन्ति प्रति ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ରାତି 2ଟାରୁ ଭୋର 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ପବନର ଗତି ବଢ଼ିବ, ବର୍ଷା ଭୀଷଣ ହେବ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଇଏମ୍ଡି ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆଉ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ହେଉଛି 15 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଧୀମେଇ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀମେଇ ଯାଇଛି।
ହୋଇଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଡପ୍ଲର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି କି ରାତି 2ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ। 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ପବନ ରହିବ। କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହୋଇନି, କେବେ କେବେ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ସବୁ ଯେମିତି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା କ'ଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କି? କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା IMD ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ପାରାଦୀପ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ସେତେବେଳେ ପବନର ଗତି ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ପବନର ଗତି ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 120 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।